नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में। और बात करें हम आज एक बड़ी घटना के बारे में जो निकल कर आ रही है बांद्रा के रिक्लेमेशन से। जी हाँ, एक व्यक्ति जो एडवर्टाइजिंग मीडिया में काम करता है, वो लगभग 1:45 पर रात के, जी हाँ लगभग देखा जाए तो उस समय वो अपने घर जा रहा था बाइक से, लेकिन तभी 3 बाइक सवार जिनमें मुन्ना पठान, पप्पू पेजर अलियास और निशार शेख आते हैं और उसे रोकते हैं और उसको गोली मार देते हैं। बता दें, गोली उसके लेफ्ट आर्म में लगी जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन यहाँ पर घटना ये है कि जैसे ही उस गोली मारकर वो तीनों बाइक सवार भागते हैं, उसके बाद अंसारी खुद अपने आप को भाभा हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराता है, जो बांद्रा वेस्ट में ही है। अंसारी ने उन तीनों लोगों की पहचान कर दी है। बताया जा रहा है कि गोली मारने वाले पुरानी दुश्मनी, यानी कि जी हाँ पुरानी दुश्मनी के चलते उसे गोली मारी गई थी और पुलिस ने जो है उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर IPC फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर एंड सेक्शन ऑफ आर्म्स एक्ट, जी हाँ बंदूक रखना भी था, ये भी एक अपराध है, तो इन दोनों ही धाराओं में उन्हें जो है ऑफिसर्स ने केस दर्ज कर लिया है। बता दें, लगातार चाहे वो बांद्रा हो, बोरीवली हो, विरार हो, वसई हो, हर जगह ऐसा लग रहा है कि क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों के अंदर क्या मानसिकता है, पुरानी दुश्मनी, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, और वो झगड़ा इस मुकाम तक पहुंच जाता है कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली अपडेट में। स्मार्ट न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट ज़रूर दें।